आलोक जी, अब तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, क्योंकि इसमें कोई इधर उधर के शब्द नहीं है। मैं बार शब्द उनको कोट करती हूं। शरद जी ने कहा कि अडानी को टारगेट करना ठीक नहीं है, अडानी अंबानी को, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसकी वजह से सदन में हंगामा किया जाए। जेपीसी की मांग को लेकर स्पष्ट उन्होंने कहा है। डिग्री की बात को वो नॉन मुद्दा मानते हैं। सावरकर पर प्रहार वो कहते हैं एकदम गलत है। इन तीनों पर आपको लगता है कि कॉमन ग्राउंड आप लोग खोज पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है मैंने डिग्री वाला विषय अंजना जी बिल्कुल क्लियर करके रखा कि डिग्री के बिना भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे, बिना डिग्री के एमएलए एमपी भी बने हैं। विषय डिग्री का नहीं, विषय यह है कि क्या डिग्री फेक तो नहीं है, क्या एफिडेविट में झूठ तो नहीं बोला गया, क्या देश के प्रधानमंत्री को ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी आगे आकर क्यों नहीं कहती कि फला साल में मोदी जी यहां से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े थे। विषय ये है, विषय ये नहीं है कि अडानी को अटैक करना है, विषय ये है कि अडानी की वजह से जो LIC और SBI का पैसा डूबा उसका जिम्मेदार कौन है। अटैक अडानी पर नहीं है, अटैक अडानी और सरकार के जो अनैतिक संबंध है उस पर है। जांच अडानी की नहीं है, जांच इस बात की है कि दो दर्जन से ज्यादा कंपनियां, एक महापुरुष महोदय जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने दो दर्जन से ज्यादा कंपनियां बेची और वो ज्यादातर एक ही व्यक्ति को क्यों गई, जांच इस बात की है। जांच इस बात की है कि 38 शेल कंपनियां किसकी हैं, जांच इस बात की है कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया वो पैसा ड्रग्स का तो नहीं है। जांच इस बात की है कि पेगासस, नोटबंदी, राफेल, इनका पैसा तो नहीं है। जांच इस बात की है कि MLA जो खरीदे जाते हैं शरद पवार साहब और हमारी सरकार गिराई जाती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? 50 खोखे एकदम ओके जब नारे लग रहे थे महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर, आपके MLA भी वहां पर खड़े थे, तो क्या वो गलत था? हम जांच किसी व्यापारी की नहीं करा रहे, हम जांच फ्रॉड की कराना चाहते हैं और ये जांच होकर रहेगी, आज नहीं तो कल होगी, पक्का होगी। और वाजपेयी साहब, आपकी तो पार्टी को ही खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने, आप किस मुंह से बीजेपी की बड़ाई करते हैं? 79% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं, कल की रिपोर्ट है 74% लोगों ने अपने खर्चे घटा लिए, 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए, और आप यहां मोदी नामा बैठकर पढ़ रहे हैं। 5 MLA थे, 5 में से 4 को तोड़ के दूसरी पार्टी बना दी और आप मोदी मोदी कर रहे हैं। कौन सी मजबूरी है ऐसी आप लोगों की? मुझे लगता है कि आज जांच होनी जरूरी है। ये दोनों मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। देश जाने कि चीन के लोगों को किस तरह से अडानी ने अपनी कंपनियों में रखकर हमारे राष्ट्रीय हितों को के साथ समझौता किया है। ठीक है, अनुराग जी भी बोले, एक साथ जवाब दीजिएगा। अगर चाइना के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है जो आदरणीय शरद पवार ने बोला है लास्ट में बिल्कुल सही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बेमौसम से बारिश से जिस तरह से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, महिला समस्या बढ़ी है, आज देखिए क्या हालत है। पर नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो बोला, यही तो लोकतंत्र है विपक्ष में भाई, आप सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना, वो हमारे सम्मानित है, उन्होंने कोई बात कही है फिर बैठ के बात होगी तो बात हो जाएगी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है भाई। विपक्ष में भी एक लोकतंत्र दे, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, सबका अपना मत होता है, सबकी अपनी बात होती है, सबकी अपनी राय होती है, वो सबसे सम्मानित है। डिग्री पर बात होनी चाहिए। नहीं, अब वो मैंने कहा ना, अब डिग्री पे वो बात बता रहे हैं, अब डिग्री के बारे में वो बताएंगे, वो कह ही रहे हैं कि अब डिग्री, ये वो क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि डिग्री पर बात होनी चाहिए, विपक्ष की तरह से नहीं होनी चाहिए। विपक्ष तो बात कर रहा है, विपक्ष तो उठा ही रहा है बात अपनी, अभी तो उनके सामने बोला इन्होंने। मैंने कहा मुद्दों पे, आप मुझे मुद्दों से मत भटकाइए, मुद्दा नहीं डिग्री। नहीं नहीं, मुद्दा शरद पवार साहब ने जो बोला उस पे, आप आदरणीय शरद पवार पे इधर उधर चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, शरद पवार ने क्या बोला, शरद पवार साहब ने क्या बोला कि विपक्ष में है अभी, ये सत्ता में कंफ्यूज कर दिया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, सत्ता में है उनके पास जेपीसी में लोग ज्यादा हो सकते हैं। आलोक जी तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बात मुझे बोल रही है, आलोक जी अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर, मुझे अपनी बात, आप आलोक जी, अरे वो तो विपक्ष तो एक साथ राउंड टेबल बैठता है, अपना मुद्दा तय कर लेता है, उसके लिए आप क्यों परेशान? डिग्री मुद्दा है कि नहीं है? अरे डिग्री, अगर कोई डिग्री गलत है सही है तो वो तो तय होगा ना, उसमें दिक्कत क्या? कोहली साहब, लास्ट कमेंट, सबका जवाब।
मैं तीन चीजें फटाफट कहूंगा। आलोक जी ने अभी आलोक जी ने मित्र भी हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से रफेल पे बात उठाई कि रफेल का पैसा कहां गया। अब रफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, उस पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तय कर रखा है कि घोटाला हुआ है, इसीलिए और कोई कारण नहीं है। दूसरी बात पे आइए, चीन पर जवाब मिलना चाहिए। अरे चीन के साथ मिल रहे हैं राहुल गांधी जी, जब डोकलाम में हमारे सैनिक खड़े होकर लड़ रहे थे उस टाइम छिपकर उनके राजदूत से, चीन के राजदूत से राहुल जी मिल रहे थे,